बौद्ध धर्म के बारे में माननीय साहब काशीराम जी के भाषण। बौद्ध धर्म के संबंध में माननीय साहब काशीराम जी अपनी स्पष्ट और अलग विचारधारा थी, जिसे वे देश भर में बार बार दोहराया करते थे। वे सभी से हटकर अपने विचार व्यक्त करने वाले महापुरुष थे। माननीय काशीराम जी की सोच इस विषय में बौद्ध धर्म के हिमायतियों, अम्बेडकरवादियों, दलित चिंतकों की विचारधारा से हटकर थी। इनकी इस विचारधारा के विरुद्ध प्रतिक्रियाएं भी बहुत आई, लेकिन मान्यवर जी बिना रुके देश के कोने कोने में अपनी बातें को बढ़ाते रहते थे। हर मंच से बौद्ध धर्म के संबंध में अपने व्यक्तिगत मौलिक विचार व्यक्त करते थे। उनके विरोधी उनकी इन मौलिक विचारों को पॉलिटिकल स्टैंड के रूप में प्रचारित किया करते थे। बावजूद इसके भी मान्यवर साहब काशीराम को कभी वैचारिक स्तर पर समझौता नहीं करना पड़ा, ये उनकी कार्यशैली थी। कई बार वे अलग 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 थलग भी पड़ जाया करते थे, लेकिन अंततः उनकी बात को मानने वाले लोग आगे आते थे और वे सही सटीक भी साबित होते थे। बौद्ध धर्म से संबंधित उनके विचारों में ये भी स्थित रही। बौद्ध धर्म के संबंध में उनकी पूरी फ्लॉक्सी का निचोड़ निकालकर चार बिंदुओं में सिमटा जा सकता है। यदि पहला है, यदि बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना है तो जाति को बौद्ध धर्म से दूर रखना जरूरी है। बहुजन समाज का निर्माण किए बिना हम बौद्ध में भारत का निर्माण नहीं कर सकते। हम शासक बनकर ही बौद्ध में भारत बना सकते हैं। मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत है। माननीय साहब काशीराम जी ने समय समय पर अपने भाषणों में बौद्ध धर्म के संबंध में जो विचार व्यक्त किए, उन विचारों का ताना बाना भी उपभोक्त चार बिंदु में इर्द गिर्द ही हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों, ये कहानी मैंने बहुजन मसीहा माननीय साहब काशीराम जी के किताब से ली।